हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टॉक दुबई चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सौरभ। दोस्तों, आज मैं दुबई का जो न्यू ट्रैवल प्रोटोकॉल है उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि कल गल्फ न्यूज़ में एक न्यूज़ पब्लिश हुआ है तो उस न्यूज़ के लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग आज सुबह से मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर, गल्फ न्यूज़ में जो ट्रैवल का दुबई का जो नया ट्रैवल प्रोटोकॉल पब्लिश हुआ है वहाँ पर लिखा है कि PCR टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब ट्रैवल से पहले आप लोग जो PCR टेस्ट करते थे 96 आवर्स के अंदर उसका ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके बारे में सारा डाउट्स आज क्लियर करूँगा। देखिए दोस्तों, कल जो न्यूज़ पब्लिश हुआ है गल्फ न्यूज़ में, तो वहाँ पर क्या लिखा है, दुबई मीडिया ऑफिस ने भी एक ट्वीट किया है, तो मैं अभी ये पढ़ के सुनाऊँगा। देखिए वहाँ पर लिखा है, सिटीजन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए PCR टेस्ट प्रायर टू डिपार्चर रिगार्डलेस ऑफ द डेस्टिनेशन दे आर कमिंग फ्रॉम एंड द टाइम स्पेंट देयर। मतलब दुबई का जो सिटीजन्स है, जो एमिरती मतलब लोकल लोग हैं, वो लोग अगर विदेश से दुबई आना चाहते हैं तो उन लोगों को ट्रैवल से पहले PCR टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुबई सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स मतलब जो दुबई का लोकल लोग है, वो अगर विदेश से दुबई आना चाहते हैं तो उन लोगों को ट्रैवल से पहले जो PCR टेस्ट करने का पहले ज़रूरत होता था 96 आवर्स के अंदर, वो करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सिटीजन्स विल ओनली बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए PCR टेस्ट ऑन अराइवल इन दुबई। मतलब दुबई आने के बाद उनको PCR टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन दुबई ट्रैवल करने से पहले उनको PCR टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं आई। और दूसरी बात, जो लोग रेसिडेंट और टूरिस्ट है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, रेसिडेंट एंड टूरिस्ट ए PCR टेस्ट प्रायर टू डिपार्चर ऑफ फॉर दुबई इज़ मैंडेटरी। मतलब जो लोग दुबई के रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं, जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई आना चाहते हैं, तो उन लोगों को ट्रैवल करने से पहले, मतलब दुबई ट्रैवल करने से पहले PCR टेस्ट मैंडेटरी करना ही होगा। जैसे आप पहले आप करते थे दुबई आने से पहले 96 आवर्स के अंदर PCR टेस्ट करना होता था, वैसे ही करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ दुबई सिटीजन के लिए, मतलब दुबई का जो लोकल लोग है, जो लोग लोकल लोग विदेश से दुबई आना चाहते हैं, उन लोगों को ट्रैवल करने से पहले PCR टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल दुबई लैंड करने के बाद PCR टेस्ट करना पड़ेगा। और जो लोग दुबई के रेसिडेंट हैं और टूरिस्ट वीज़ा पे जो लोग आना चाहते हैं, उन लोगों को ट्रैवल करने से पहले भी PCR टेस्ट करना पड़ेगा दुबई, और दुबई लैंड करने के बाद भी PCR टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले रूल्स था वैसे ही है, लेकिन लोग कन्फ्यूज हो रहा है। देखिए, सिटीजन मतलब लोकल लोग का, रेसिडेंट मतलब जो लोग हम विदेश से दुबई आते हैं काम करने के लिए, हम लोगों को 2 साल का रेसिडेंट वीज़ा मिलता है, इन लोगों को बोलते हैं रेसिडेंट। और सिटीजन मतलब परमानेंट रेसिडेंट यहाँ का, और हम लोगों को 2 साल का रेसिडेंट वीज़ा मिलता है यहाँ पर काम करने के लिए। तो रेसिडेंट के लिए जैसे पहले रूल था 96 आवर्स के अंदर ट्रैवल करना, मतलब प्री ट्रैवल जो PCR टेस्ट 96 आवर्स के अंदर करना होता था, वैसे ही करना होगा, और दुबई आने के बाद भी PCR टेस्ट होगा। तो ये जो सारा कन्फ्यूजन, मुझे आशा है आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इसका मतलब है, मैं और एक बार दोहराता हूँ, जो लोग दुबई का लोकल लोग है, दुबई सिटीजन है, तो वो लोग अगर विदेश से दुबई आएंगे तो उन लोगों को ट्रैवल करने से पहले PCR टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दुबई लैंड करने के बाद PCR टेस्ट करना होगा। और जो लोग दुबई का रेसिडेंट है, मतलब रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स है और विजिट वीज़ा पर दुबई आना चाहते हैं, वो लोग ट्रैवल करने से पहले उन लोगों को PCR टेस्ट करना होगा 96 आवर्स के अंदर, और दुबई आने के बाद भी PCR टेस्ट करना होगा। बस यही न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करना था। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, और इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। दोस्तों आज के लिए बाय बाय, फिर आप मिलेंगे कोई नए वीडियो नए अपडेट लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।